5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25... मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। वो कह रहा है कि ये जो एपी में है ऐसे कितने सम लूं, मतलब ऐसे कितने नंबर लूं कि उनका सम क्या हो जाए, 636 हो जाए। ऐसे कितने नंबर लूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कितने नंबर लूं कि इनका सम कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा मेरे को। जो जो गिवन, देखो मुझे पता लग रहा है सीधा सीधा एन निकालना है इसके अंदर। मेरे को ए दे रखा है तो मैंने ए ले लिया, ए मेरा 9 हो गया। डी मेरा a2 - a1 17 - 9 8 हो गया। एस एन मुझे टोटल सम कितना दे रखा है, 636, वो मैंने लिख लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है, वो भी मैं लिख लिया। अब देखो मेरे को जो जो चीजें दे रखी है मैं उसी का इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या एस एन दे रखा है, एस एन कितना देखा है, 636, ठीक है। एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d 636। अब मेरे को जो जो चीजें दे रखी है, a मेरा कितना 9, d मेरा कितना दे रखा है 8, अब इसकी वैल्यू रख देना पे, ये 18 हो गया। ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8n, इसको इससे करा माइनस में 8, ठीक है। ये बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा, 18 में से 8 गया कितना बचा, 18 में से 8 गया 10 बचा, 8n ये रहा, ये 9/2, ये कितना है, 636। अब मैंने क्या करा, इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया कि छोटा हो जाए नंबर, 2 कॉमन ले, अगर मैं 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करता तो नंबर बड़े बड़े होते जाते, तो मैंने 2 कॉमन लेके इसे छोटा कर दिया। 2 कॉमन लिया मैंने इसमें से, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, ये 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास बचा n, n को 4n से करूंगा तो 4n2, n को 5 से करूंगा तो 5n, और इसको मैं इधर ले आया, जब इसको ले आया तो 636 आ गया = 0। अब मुझे क्या बनाना है, इसके फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, फैक्टर बनाना तो आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कैसे करते हैं, 4 × 636। अब मुझे वो ऐसा नंबर, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आया, ऐसा नंबर चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर आया, ये जो नंबर होता है ये नंबर आया, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 5 आया। अब इजी तरीका क्या है, इसके मैंने फैक्टर बना लो, सिंपल था क्या, इसके फैक्टर बना लो, देखो 636 का फैक्टर बना लो, 2 से आएगा 2 3 6, 2 कितना जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 8 16 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे कितना गया, 1 2 5 10 2 9 18, 2 कितना आएगा, सही जा रहा है ना, 2 2 से आएगा नहीं, 3 से आएगा, 3 5 3 3 क्योंकि लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 क्या नहीं होता, इनका सम होता है, इनका अगर सम ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन नंबर आए नहीं, इनका सम अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 9 10 15 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो जाएगा 3 से। अब यहाँ पर इसके क्या टुकड़े हो गए, देखो 2 × 2 × 3 × 53, देखो 2 × 2 × 3 × 53 ये रहा, और ये 4 तो था मेरे पास, तो कोई 53 मिल रहा है, तो मैं कहीं ये नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी बड़ा हुआ है, मैं कहा इन सबको मल्टीप्लाई करके देखा, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया, 2 × 4 4 × 16 16 48, 48 × 53 ये आ गया। अब मैं इनको देखो माइनस करने पे कितना आ रहा था मेरे पास, माइनस करने में 5 आ रहा था, तो मेरे को इजीली मिल गया। जब कोई बड़ा नंबर ऐसा मिल जाए जिसके कोई फैक्टर ना बने तो इजी हो जाता है मेरे लिए बनना। अगर ये बाय चांस फिर भी तुमसे फैक्टर नहीं बनता, इससे अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे फैक्टर से नहीं टूटता तो इसको चैप्टर 3 में, जैसे हमें डी चैप्टर 4 में शायद वो डी निकालने थे, वैसे करो उसको, डी निकालना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते ना, d² - 4ac वैसे निकाल के कर लेना अगर इसके फैक्टर ना बने तो। अब इसमें तो कॉमन लेते हैं, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा इन दोनों में से, दोनों में n आ रहा है, यहाँ पे बच गया 4n, यहाँ पे 53, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया, 4n + 53, ये और ये हमेशा सेम ही रहेंगे, ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम थे, हमने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ के बजाय n - 12, यहाँ पे 0, या तो मेरा ये 0 या तो मेरा ये 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो गए क्या हो रहे हैं 0, तो या तो मेरा ये 0 या तो मेरा ये 0, ये 0 या तो मेरा ये 0, इसको यहाँ पे लेगा तो माइनस में 53/4, और यहाँ पे n मेरा कितना गया 12, ये नॉट पॉसिबल क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, n शुड बी नेचुरल नंबर, n मेरा नेचुरल नंबर है भाई, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये तो नेगेटिव में थोड़ी जाएगा, या ये थोड़ी होगा 5.5 नंबर पे कोई बंदा बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, n मेरा हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, तो n मेरा हमेशा कितना, n मेरा कितना गया 12,
तो मेरा यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, यानी एन मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। द 12 टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गेट द सम इज दिस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ है ये, कैन द फर्स्ट, कैन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखा है, यानी मेरे को ए दे रखा है, देखो मैंने ए लिख लिया, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। और आगे कहते हैं द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म कितना 45 है, तो मैंने ए एन कितना लिख दिया, 45 लिख दिया। और क्या लिखा है, द सम इज, सम कितना दे रखा है, 400, तो एस एन मेरा कितना हो गया, 400 हो गया। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है, देखो एन मेरे को निकालना है, जो जो जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। द कॉमन डिफरेंस, मेरे को डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन के फॉर्मूले हमारे पास दो होते हैं, लेकिन हमारे पास जब ए और ए एन दे रखा हो तो इजी वाला लगाओ, नहीं तो एस एन का फॉर्मूला कहता है एन बाय टू ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एन बाय टू, एस एन मेरा कितना देगा 400, ए कितना देगा 5 और ए एन कितना देगा 45। अब यहाँ पे क्या करा, 50 हो गया, इन दोनों को प्लस करा, इससे से करा दो 25 को नीचे, इसका मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको से काट देना, ये तो इजी है काटना, तो एन मेरा कितना हो गया 16 हो गया, एन कितना आ गया 16 आ गया मेरे पास। अब हमारे पास एन आ गया तो हमें डी की भी जरूरत पड़ेगी। अब डी कैसे निकालें, ए एन का फॉर्मूला से निकालते हैं, ए एन हमारे 45 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए एन 45 दे रखा है। अब हम क्या कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मेरा 45 दे रखा है, कितना दे रखा है, ए एन 45 दे रखा है मेरे को, ठीक है। एन मेरा 16 है, 16 रख दिया, अब यहाँ पे 1 रखा, 16 में से 1 गया मेरा 15, ये वाले 5 को मैं वहां लेगा, 45 में से 5 गया मेरा 40 हो गया। अब ये 15 यहाँ पे क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया पे, काटा तो डी मेरा कितना गया 8/3, तो एन मेरा 16 और डी मेरा 8/3, बस यही तो मुझे निकालना था क्वेश्चन में, अभी मैंने निकाल लिया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा अब देखो दिख रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है 17 and 350 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, जिसके बारे में पहला गया, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पहले बोला गया तो फर्स्ट है, फिर लास्ट टर्म बोला गया लास्ट टर्म, इसका मतलब हिंदी में होता है क्रमशः, मतलब लाइन से, अगर फर्स्ट पहले बोला है फर्स्ट टर्म के बारे में तो पहले ही मेरा फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरा लास्ट टर्म है तो ये मेरा दूसरे नंबर वाला लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो मेरा ए एन ए कितना दे रखा है 17 और ए एन 350 देगा। कह रहा इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी मेरे को डी दे रखा 9, कह रहा हाउ टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, वो कह रहा कितने इसमें एन है और उनका सम कितना है, मेरे को ये बताना है, ठीक है। कह रहा हाउ टर्म्स आर देयर, उसमें टर्म्स कितने हैं, एन निकालना है और व्हाट इज देयर सम, उनका सम कितना है, एस एन निकालना है मेरे को। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, अब मेरे पास ए एन कितना हो गया 350 हो गया, ए एन मेरे को दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 350। अब मेरे पास ये कितना 17 ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 17 उधर से उधर चला गया माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 333 आ जाएगा 350 में से 17 गया, तो अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जब इससे कटेगा तो 37 आ जाएगा मेरा, और एन यहाँ से यहाँ चाहिए तो प्लस हो जाएगा तो 38 हो जाएगा, एन मेरा कितना हो जाएगा 38। अब हमारे पास देखो एस एन दे रखा है, इसने एस एन दे नहीं रखा, एस एन पूछा गया, सॉरी एस एन पूछा गया, एस एन हमारे पे कहता है एन एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, क्योंकि जब मेरे को ए और ए एन दे रखा है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ एस एन का, एस एन मेरे को निकालना था ना, देखो क्वेश्चन मेरे को निकालना था, एस एन मेरे को निकालना था, तो मेरे पास एन बाय टू ए प्लस ए एन हो गया, ठीक है। ए मेरा कितना आ गया, ए मेरे को 17 दे रखा है, ए एन कितना है 350, एन हमारे ऊपर देखो 38 निकाला गया, 38 रख दिया, इससे से कर रहा 19 आ गया, तो 17 प्लस में 350, इनको जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास 367 आ जाएगा, 19 इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा पर 6973 आ गया, तो मेरा एस 38 कितना आ गया, ये आ गया और मेरा एन आ गया, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी, मतलब किसी भी चैप्टर में हो, आप किसी भी उसमें कमेंट करके लिख दो, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो, सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में, किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व करके आंसर दे दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके और समझा के अच्छे तरीके से आपको भेज दूंगा। ओके।